हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम जा रहे हैं अपना व्लॉग 3 बनाने, जो कि हम जा रहे हैं आज खल्लारी, जो कि है कुसुम कसा से, दली राजरा से कुसुम कसा। कुसुम कसा के अंदर घुसना पड़ता है, लेकिन यहाँ से दो रास्ते जाने के, एक हम जा सकते हैं कोकान की तरफ से और एक हम जाते हैं कुसुम के मेन रोड की तरफ से। उधर से जो है दुर्ग वाला जो रोड है, वहां से कुसुम के थोड़े से पहले अंदर ले लेना पड़ता है। तो व्लॉग 2 अगर जिसने नहीं देखा, आप जाके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अब व्लॉग 2 के लिए आप लोगों का जो प्यार था वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही इस वीडियो को भी आप वायरल कर दीजिए और सब लोगों तक पहुँचाइए, जो कि हमारे यहाँ दली राजरा में रहते हैं, उनको तो मोस्टली पता ही नहीं है। हम वीडियो मेरी होती है स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए होती है जो दिल्ली में रहते हुए भी नहीं जानते कि उनके आसपास में जो है जो भी है घूमने की जगह है। तो चलिए अब हम चलते हैं। अभी हम तो है कोकान में, देख सकते हैं हमें कोकान वाली रोड से जा रहे हैं और इधर है हमारी बटालियन, जो देख सकते हैं अभी जो है फोटोज वगैरह क्लिक करने में बिजी है। तो चलते हैं हम खल्लारी की तरफ। तो हम आ चुके हैं दोस्तों कोकान में, तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा सा व्यू मिल गया, तो हम यहाँ पे रुक गए। देख सकते हैं पूरा पीछे का नजारा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों अगर आप आते हैं कोकान रोड की तरफ से, तो आपको एक बोर्ड मिलेगा टेका डोड़ा का, यहाँ से फिर आपको यहाँ से एक लेफ्ट जाने का रास्ता है, यहाँ से जाना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ से आप आएंगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ लेफ्ट ले लेना है। आप लोगों को एक राय देना चाहता हूँ, अगर आपको खल्लारी जाना है और उस दिन आपके वहाँ बारिश हुई है, तो कोशिश करें कि बारिश के दिन ना निकलें। जिस दिन बारिश हुई है उसके, या फिर सोच रहे होंगे एक घंटे के बाद निकल जाते तो ना निकले। देख सकते हैं यहाँ पे जो रोड है इतने खराब मिलेंगे आपको, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा रहा। तो भाई मतलब अब क्या ही बोलूं ऐसे, मतलब इतना चलाने में दिक्कत हो रहा है। तो आप हो सके तो आप मेन रोड से ही जाने की कोशिश करें, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो हम यहाँ से आए कोकान के रास्ते से, उधर से हम घूम के आए, फिर यहाँ से एक रास्ता आएगा, उसके बाद फिर हमको क्या करना है, इस रास्ते से फिर इधर हमको राइट ले लेना है। तो यहाँ राइट लेके हमको स्ट्रेट जाना है, कहीं भी नहीं मुड़ना है, हमको सीधा स्ट्रेट जाना है। तो हम सीधा जो है खल्लारी पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं हम खल्लारी की तरफ। तो दोस्तों ये हम आ चुके हैं खल्लारी, एक छोटा सा गांव है, देख सकते हैं। और ये जो घर है ये हमारे थोड़े पहचान वाले, तो हम यहाँ पे थोड़े 5-10 मिनट वेट करेंगे। ये आ रहे भैया, तो यहाँ रहते हैं, तो हम 5-10 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम अभी वेट कर रहे हैं हमारी जो और हमारे साथ जो है उनका आने का। तो उसके बाद फिर हम इस तरफ से, फिर ये जो आएंगे इधर से आएंगे आप, इधर से आने के बाद फिर आपको जाना है इधर स्ट्रेट बिना रुके। तो चलिए कैसा लग रहा है आपको खरगोश पकड़ के, बताइए। डर लग रहा है ये। नहीं मानूंगा, बोल रहा है तेरे साथ। कान पकड़, बच्चा थोड़ी है वो। हेलो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं खल्लारी।
जो कि फेमस है उसके इस सीन के लिए, देख सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा इंसिडेंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हम रोड से आ रहे थे, तो आज क्या है थोड़ी बारिश हो गई थी, देख सकते हैं अभी भी थोड़े बहुत बादल हैं ऊपर में, तो आज थोड़ी सी बारिश हो गई थी, तो रास्ते जो थे थोड़े से उठपटांग से रास्ते थे, तो हम क्या है कच्ची रास्ते से आए थे, ऑफ रोडिंग करके आए थे, लेकिन हमको आना चाहिए था आज जो है मेन रोड से, लेकिन हम आ गए ऑफ रोडिंग करके, तो भाई साहब और आज ऊपर से बारिश हो गई थी, तो इतना ये हुआ कि हम आए वहाँ से ऑफ रोडिंग तो अच्छी खासी कर ली हमने। उसके बाद फिर मैं शूट करने के लिए मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप ड्राइव करिए, मैं जो है थोड़ा एक दो शॉट ले लेता हूँ। तभी क्या हुआ, अचानक से मेरा फ़ोन जो है, पता नहीं, मैं हमेशा जब मम्मी जो गाड़ी चलाती है तब मैं मेरा ध्यान रहता है सामने रोड में ही रहता है, लेकिन आज क्या हुआ मेरा फ़ोन पता नहीं वीडियो ओपन नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने जो है तो फिर मेरा जो है रोड पे ध्यान नहीं रहा, तो रोड पे ध्यान नहीं रहा तो क्या हुआ, आगे जो है बारिश हुई थी, तो बारिश के कारण क्या है रास्ते जो थे थोड़े से गीले हो गए थे, थोड़े से मतलब स्लिपरी हो गए थे कह सकते हैं, तो स्लिपरी होते होते फिर मम्मी ने लगा दिया रेस, तो हम हो गए फुर वहीं पे गोल गोल घूमने लग गई गाड़ी, तो ठीक है वैसे फिलहाल कुछ हुआ तो नहीं, बस नॉर्मल सा था, हल्का सा स्लिप हुआ था गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो इससे ये चीज़ आपको पता चलेगी कि दोस्तों बारिश के मौसम में मत आइए यहाँ पे, हो सके तो। वैसे बारिश के मौसम में आने का एक फायदा है, यहाँ पे जो है आपको पानी जो है यहाँ तक मिलेगा, जबकि हम जब पिछली बार जब आए थे ना, वो आगे आपको दिख रही होगी कुछ, मैं अभी बाद में जूम करके दिखा दूंगा, तो वहां तक जो थी पानी, वहां तक जो थी पहले पानी नहीं थी, तो अब क्या है पूरी पानी यहाँ तक आ चुकी है, तो ये एक नज़ारा अच्छा मिल जाता है हमको, और बाकी जो है देख सकते हैं पूरा ओपन एरिया है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे मस्ती मजाक करते हैं और चलते हैं थोड़ा आगे, वहाँ थोड़ा भीड़ में एंजॉय करते हैं, तो चलते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको अपना इंसिडेंस बता दिया अभी वहाँ पे कि हमारे आते वक्त तक क्या हुआ हमारे साथ। तो यार पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत सा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों से, इससे आप लोग जब उसको शेयर करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को जो एक मोटिवेशन आती है कि यार मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। मैं सोच रहा हूं कि जल्द से जल्द मैं एक छोटा सा क्या है एक अगर हो पाए तो मैं एक छोटी सी ड्रोन लेना चाहूंगा, जिसके वजह से जो है मैं आपको पूरा ऊपर का भी एक छोटा सा व्यू दिखा सकूं। तो आज हम आ चुके हैं यहाँ पे खल्लारी, जो कि ये जो है पूरा पानी, ये जो सीन के लिए लैंडस्केप बोल सकते हैं उसके लिए बहुत फेमस है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है कितनी कहाँ पे है, कितनी डिस्टेंस पे है, कहाँ से कितना मतलब दूर पड़ेगा ये, तो मैं बता दूं उन लोगों को, मैं हो सके जो जिनको नहीं मालूम है इसके जगह के बारे में, तो मैं उनको क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से वहां पे जाके आप चेक इन कर सकते हैं कि कहाँ पे है ये प्लेस, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी जो है मेरा वीडियो आप देखिए पूरा, उसमें आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि कहाँ से कैसे आना है, किधर से कैसे आना है, कौन सा रोड है, वो सब आपको पता चल जाएगा। जगह है वो, अगर आप दल्ली राजरा में रहते हैं तो आपको दल्ली राजरा से लगभग पड़ जाएगा 16 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है, आप मतलब आसपास ही जगह है, तो यहाँ आप घूमने आ सकते हैं। ये हमारा तीसरी बार है, पहले जो है मैंने ब्लॉगिंग शुरू नहीं की थी, तो क्या है मैं वीडियो नहीं बना पाता था, तो अभी मैंने जो है ब्लॉगिंग शुरू कर दी है, और मैंने ब्लॉगिंग इसीलिए शुरू की है कि जो मतलब हमारे आसपास की चीज़ें हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा कि हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं वो लोगों को नहीं मालूम है कि
घूमने की क्या क्या चीजें हैं, तो मैं उन लोगों को अपनी वीडियो के थ्रू बता सकूं। तो बहुत लोगों ने मुझसे मालूम ही नहीं था, कमेंट भी किया कि ये कहाँ पे है, कहाँ पे पड़ता है, जगह कितनी दूर है। तो उनके लिए जो है बहुत ही ज्यादा उनके लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो, तो इसलिए मैं जो है ये वीडियोज बना। तो यहाँ पे जो है घूमने के लिए आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा फोटो वगैरह खींचने के लिए बहुत ही अच्छा है, जो कि आप फैमिली वगैरह के साथ आके फोटो शूट वगैरह कर सकते हैं। हम जो है तीन भाई बहन अभी पानी में चलते हुए जा रहे हैं, देखिए हमारे जो है पूरे भीग चुके, आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए पूरे भीग चुके हमारे कपड़े, हम आधे डूबे हुए हैं पूरे। तो चलिए थोड़ा सा चलते हैं जमीन की तरफ, बहुत हो गया पानी में खेलना कूदना। तो दोस्तों थोड़ा सा धूप आ गया है, धूप आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो है व्यू जो है कुछ अलग ही मजा दे रहा है, यहाँ पे व्यू का अलग ही मजा आ रहा है। तो देखिए मेरे फेस पे है जो पूरा धूप पड़ रहा है, फिर भी बैक देख पीछे का देख सकते हैं। बनाता हूँ, नहीं वीडियो बना रहा हूँ तेरा, नहीं बना रहा हूँ, नहीं नहीं वीडियो वीडियो नहीं 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 जाना घुस रहा है उधर जाना। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे जो इतना मस्ती करना था हमने कर लिया, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। देखिए मेरे पीछे बटालियन आ रही है मेरी। चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय बाय। मिट्टी चिपकर तो वहाँ जाते वहाँ नहीं, उस तरफ अच्छा है, इधर अच्छा है, इधर ही तो अच्छा है, पानी के अंदर फोटो बना बना बोला बना थोड़ी जाता मैं, बाप रे यहाँ तो बाहर चल चल उधर से चल, हाथ में जूते पकड़ के गिर के हपट के हमारी भी नहीं आओगे तो यही मजा आएगी। अब यहाँ से हम कैसे जाएं, हमारा शरीर तो कैसे बाबू क्या क्या हो गया? अरे यार भैया आओ ना, क्या हो गया? हाँ अच्छा हुआ सब हुआ, हमारी छोटी बेटी गिरने वाली थी बजरी, स्केटिंग कर रहे चल भैया वहाँ पे मैं बैठूंगी।